अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अंतरिम खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों कतर से आ रही है वो दोस्तों आ रही है वहाँ के बस को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दूँ, कतर में बहुत ही जल्दी जितनी बस वहाँ पर चल रही है अभी दोस्तों, जितनी बस वहाँ पर चलती है तो वो चलती है डीजल से, पेट्रोल से। पर दोस्तों आपको खुशी वाली बात ये एक बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे अब जितनी भी बसें चलेगी वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ 2022 आते आते 25% बस वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगेगा। और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला, खास तौर पर उस टाइम 25% से ज़्यादा ही बस, मतलब समझ लिया, इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पहली खबर। दूसरी जो खबर आ रही है वो नेपाली भाइयों के लिए। तो दोस्तों खबर ये है कि पहले क्या होता था, हम लोगों को टिकट, यदि कतर से नेपाल जाना होता था या फिर नेपाल से कतर जाना होता था तो बहुत तामझाम होता था। स्पेशल फ्लाइट के द्वारा हम लोग जाते थे, मतलब टिकट वगैरह बुक करने लगे, वेटिंग में रहते थे। पर दोस्तों आप बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, नेपाल और कतर में ये बात हो गई कि 1 अक्टूबर से नॉर्मल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे, 1 अक्टूबर से नेपाल से कतर के लिए, कतर से नेपाल के नॉर्मल फ्लाइट स्टार्ट होगा। तो साथियों टोटल 3 फ्लाइट चलाया जाएगा डेली। तो एक होगा हिमालय एयरलाइंस, नेपाल एयरलाइंस और एक होगा कतर एयरवेज। तो दोस्तों डेली तीन फ्लाइट चलेगी। तो अब साथियों आपको क्या होगा, आप किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप टिकट को बुक कर सकते हैं और जब आना चाहे आ सकते हैं। याद रखिए ये स्टार्ट होने वाला 1 अक्टूबर से। पर हाँ, इसमें आपको PCR सर्टिफिकेट चाहिए होगा, PCR सर्टिफिकेट 72 घंटे के अंदर का होना चाहिए। PCR सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आप मतलब सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी, टिकट लेना पड़ता था, वेटिंग में आता था, तो हम लोग को जब नंबर आता था तो हम एम्बेसी द्वारा कॉल किया जाता था, उसके बाद हम लोग टिकट ले पाते थे। पर साथियों अब 1 अक्टूबर से क्या होगा, नॉर्मल फ्लाइट कभी भी आप आना जाना कर सकते हैं, कतर से नेपाल, नेपाल से कतर। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी खबर की। तीसरी खबर दोस्तों वहाँ से ये आ रही है कि यदि दोस्तों कतर एयरवेज से यदि आप सफ़र करते हैं तो कतर एयरवेज से तरफ से दोस्तों ऑफर दिया गया है कि 2021 तक आपको फ्री वाईफाई दिया जाएगा। मतलब दोस्तों यदि अभी आप सफ़र करते हैं, यदि आप कतर वापस जाते हैं तो आपको मतलब फ्री 1 जनवरी तक आपको फ्री वाईफाई होगा, जो पूरी का पूरा हाई स्पीड होगा। तो साथियों यदि आप कतर एयरवेज से सफ़र कर रहे हैं तो अब आप वाईफाई का फ्री मज़ा ले सकते हैं, वो भी काफ़ी स्पीड रहेगा, काफ़ी अच्छी स्पीड देगी। तो साथियों ये 3 खबर था तो मैंने अब तक शेयर किया। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को कतर की जानकारी हो सके। मिलते साथ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।